कहते हैं भगवान अगर है तो ब्रह्मांड में इंसान की मदद जरूर करता है। ये हम नहीं कह रहे, ये सिद्ध कर दिया है न्यूज वर्ल्ड इंडिया के स्टूडियो में मौजूद इस बच्चे कृष्णा ने। कृष्णा की उम्र महज 9 साल है, पर इंसान का आने वाला भविष्य चुटकियों में बता देता है। इतना ही नहीं, साल की आने वाली तारीख को कौन सा दिन पड़ता है ये इस बच्चे के मुंह से आप खुद सुनेंगे। बच्चे का नाम कृष्णा है, पर भगवान के दिए हुए किसी गॉड गिफ्ट से कम नहीं। हालांकि कृष्णा बचपन से ही किडनी जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, लेकिन आने वाला भविष्य चुटकियों में बताता है। इस नन्हे मेहमान को एक हफ्ते में 3 बार डायलिसिस से गुजरना होता है। बावजूद इसके बच्चे को शास्त्रों का इतना ज्ञान है कि पल भर में हर सवाल का जवाब देता है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये आप खुद अपनी टीवी स्क्रीन पर अपनी आंखों से देखेंगे और कानों से सुनेंगे। कृष्णा से जब न्यूज वर्ल्ड इंडिया की कॉरेस्पॉन्डेंट भारती सिंह ने आने वाले कुछ दिनों के बारे में पूछा, तो कृष्णा ने उनके सवालों का जवाब देने में एक पल नहीं लगाया। अब ये पूरा अद्भुत चमत्कार आप अपनी आंखों से खुद देखिए और सुनिए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूँ आपके साथ भारती सिंह। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान मौजूद हैं। वो मेहमान केवल 9 वर्ष के हैं और उन्होंने अपनी इस 9 वर्ष की आयु में अस्पतालों में इतनी जंग जीती है जो एक आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं जीत पाता। और साथ ही इस नन्हे मेहमान के पास इतनी जानकारी है कि जमीन से लेकर आसमान तक आप कुछ भी इनसे पूछ लीजिए, ये आपको चुटकियों में बता देंगे। तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ इनके पास टैलेंट है और क्या कुछ ये हमें बता सकते हैं आज। सबसे पहले आपका क्या नाम है? नमस्कार, मैं कृष्णा शर्मा। कृष्णा शर्मा, कितने साल के हैं आप? 9 साल। 9 साल के हैं, अच्छा। आपने हमें अभी बताया था कि आपको दिनों के बारे में पता है, अगर हम आपको तारीख बताएंगे तो आप हमें दिन बता देंगे, हैं? हम आपसे पूछें, शुरू करें? ठीक है, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि 2021 चल रहा है अभी, 2021 में अगर हम मई महीने की बात करें तो मई महीने में 2021 में 2 तारीख को कौन सा दिन है? 2 तारीख, 2 मई 2021 को कौन सा दिन पड़ेगा? रविवार। ठीक है, 2 मई को आपने बताया कि संडे है, इतवार है ना, चेक कर लें हम पक्का? ठीक है, तो 2021 का कैलेंडर मैंने अपने सामने खोला हुआ है अपने फोन में और 2 मई की तारीख मैं देख रही हूँ और यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है वो सच में अद्भुत है। उस दिन इतवार ही है, उस दिन संडे ही है और कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का वक्त भी उन्होंने नहीं लिया ये बताने के लिए। तो एक काम करते हैं, आप भी देखिए, ये 2021 का कैलेंडर मैंने खोला हुआ है, इसमें 2 तारीख आप देख सकते हैं, 2 मई, जहाँ पर साफ तौर पर ये क्लियर है कि उस दिन संडे है। अगली तारीख पूछें आपसे, अगला दिन? ठीक है, तो अगली तारीख दिन बताइए आप, 23 जनवरी 2022, यानी अगले साल 23 जनवरी को क्या दिन पड़ेगा? संडे। संडे पड़ेगा, पक्का चेक कर लें? ठीक है, तो 2022 और 23 जनवरी को जो मैं देख सकती हूँ वो संडे ही है। ये अपने आप में अद्भुत है और बहुत ही सराहनीय है और ये बच्चा अपने आप में चमत्कार है कि इतनी कम उम्र में, और साथ ही मैं आपको बता दूं कि एक लंबे समय से अपने जन्म से ही एक बीमारी से जूझ रहे हैं जिसकी वजह से हर हफ्ते इनका 3 बार डायलिसिस होता है जो कि हार्ट के थ्रू होता है। बहुत दुखद है ये जानकर, लेकिन अपने आप में एक चमत्कारी बच्चा मैं कह सकती हूँ, एक ऐसा बच्चा जो कि जिसके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ परेशानियाँ जो हैं वो ज़रूर वो अपनी निजी ज़िंदगी में अपने शरीर के साथ झेल रहे हैं। साथ ही इनका बहुत बार ट्रांसप्लांट जो है वो अब 10 साल के जैसे ही ये हो जाएंगे उसके बाद इनका ट्रांसप्लांट होना है। साथ ही इनको बहुत बार हार्ट अटैक आ चुके हैं और तमाम 10 से 12 बड़ी मेजर सर्जरी से ये गुजर चुके हैं, तो बहुत बहुत ही हिम्मत है इनमें और आपकी हिम्मत की हम दाद देते हैं। तो अगली डेट पूछें आपसे, अगली तारीख पूछें, ये बताइए कि अगले साल 2022 में 8 फरवरी को कौन सा दिन पड़ रहा है? मंगलवार। मंगलवार चेक कर लें पक्का? तो जो मेरे फोन के अकॉर्डिंग कैलेंडर है वो ये कहता है कि 2022 में 8 फरवरी को मंगलवार पड़ रहा है। देखिए, आप भी देखिए और इस बच्चे के टैलेंट को, इसको टैलेंट कहें या चमत्कार कहें या भगवान की तरफ से एक अपने आप में भगवान का आशीर्वाद कहें इनके ऊपर,
कि इस तरीके से इनको सभी तारीखों के दिन पता हैं। चलिए ठीक है, अगली तारीख पूछें हम आपसे, अगला दिन बताएंगे। चलो ठीक है। अच्छा आप बताओ कौन से साल से हम आपसे पूछें? जो आप पूछना चाहो। दो जो हम पूछना चाहें हम आपसे पूछ लें। ठीक है, तो ये बताइए कि 2023 में मार्च में एक तारीख को कौन सा दिन पड़ रहा है? 2023 में एक मार्च को कौन सा दिन पड़ रहा है? 2023 बुधवार। बुधवार पड़ रहा है, पक्का चेक कर ले। चलो ठीक है, तो मेरा कैलेंडर तो यही कहता है कि 2023 में एक मार्च को बुधवार पड़ रहा है। आप भी देखिए, ये तमाम वो तारीख हैं जिनके बारे में पहले कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। अभी जस्ट 5 मिनट पहले हम आपसे मिले हैं और 5 मिनट पहले हम इनसे मिले हैं और 5 मिनट पहले मिलने के बाद ये यहाँ पर आए और हमने इनसे बात की कि हम आपसे आज कुछ चीज़ें पूछना चाहते हैं और ये बहुत खुशी से कहने लगे जो आपको पूछना है आप पूछिए। तो ये वो तमाम तारीख हम जो है हमने इनसे पूछी हैं और भी अगर कुछ तारीखें हैं और हम चाहते हैं कि आप भी कमेंट बॉक्स में अगर आप हमें ज़रूर लगता है कि आपको भी एक एक्साइटमेंट बन गई होगी इस बच्चे से बहुत कुछ पूछने की, तो हम चाहते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करें और लिखें कि आपको क्या कुछ पूछना है ताकि अगली बार जब हम इन्हें एज अ स्पेशल गेस्ट अपने पास बुलाएं तो आपके उन सभी सवालों के जवाब हम इनसे ले सकें। तो फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इस खास नन्हे से मेहमान के साथ इतना ही। जुड़े रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, हमारी ये पूरी खास बातचीत पसंद आई, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।